हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो इस वीडियो में हम नेपोलियन के बारे में देखेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, क्या क्या अच्छी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं आगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। तो वो क्या क्या रूल्स और क्या क्या चेंजेस लाया था जो अच्छे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा बनाते थे, मोर एफिशिएंट बनाते थे उन उसके जो टेरिटरीज थी उसमें। तो आगे देखते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स में डाला है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो और अच्छे से समझ में आए आपको। तो स्टार्ट करते हैं। द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट आर, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो ये एक एक्ट था, एक रूल बोल सकते हैं, जो वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या था कि जो प्रिविलेजेस होते हैं बेस्ड ऑन बर्थ, जो बर्थ से जो राइट मिलता है वो क्या किया था, उसको ले लिया था। इसका मतलब क्या है कि जैसे राजा महाराजाओं का बेटा जो है वो राजा महाराजा ही बनेगा, उसको अलग अलग चीज़ें रहेंगी। जो अगर मिडिल क्लास में पैदा हुआ है तो उसको मिडिल क्लास जैसे ट्रीट करेंगे, जो अगर लोअर क्लास में पैदा हुआ है तो उसको लोअर कास्ट जैसे क्लास में जैसे ट्रीट करते लोगों को वैसे ट्रीट करेंगे। तो ये सब चीज़ों को उसने बंद कराया और वो क्या लाया, इक्वालिटी लाया। मतलब कि जो कहीं पर भी पैदा हुआ हो उसके बर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, सब इक्वल हैं बिफोर लॉ, ये उसने इंट्रोड्यूस कराया। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया इसने, उसको सिक्योर किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ही एबोलिस्ट द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। अब इसमें ऐसे ऐसे वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, तो वो मैं बता देती हूँ। एबोलिस्ट का मतलब होता है बंद करना या उसको हटा देना। तो फ्यूडल सिस्टम को उसने एबोलिस्ट किया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जब कोई पीजेंट या वर्कर हो, ठीक है, कोई पीजेंट या वर्कर हो, कोई लेबर हो, जो उसको क्या बोला जाता था, उसको फोर्सफुली कोई भी राजा के लिए अगर काम करना है या कोई नोबेल पर्सन के लिए काम करना है तो वो काम करने के बदले में उसको लैंड दिया जाता था, पैसे नहीं, लैंड दिया जाता था, लैंड का एक पीस दिया जाता था, जो उसने हटाया, ये रूल को उसने हटा दिया, उसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। मतलब एक तो फोर्सफुली काम कराते हैं राजाओं के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, और ऊपर से पैसे की जगह उनको लैंड दिया जाता था, तो वो फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। उसके बाद है सर्वडम। सर्वडम का मतलब होता है गुलामी करना, ठीक है, गुलामी करना, नौकर बन के रहना, तो वो होता है सर्वडम। मैनोरियल ड्यूज क्या होते थे, वो फीस होते थे, एक तरह के फीस होते थे जो पीजेंट्स या सर्फ ऑफ फार्मर्स, सर्फ यानी कि जो फार्मर्स के जो गुलामी करते हैं या फार्मर्स के अंदर जो काम करते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स के अंदर जो काम करते हैं, वो लोग पे करते थे किसको, नोबेल लोग को, लैंडलॉर्ड को। जैसे कि अगर क्या होता है, कोई एक गरीब है, कोई एक वर्कर है, उसने लैंड लिया किसी लैंडलॉर्ड से, उसने लैंड लिया कि मैं उसमें काम करूँगा, उसमें उगाऊँगा, जो भी चीज़ उगाऊँगा वो मेरा होगा, ठीक है, अपने रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, तो उसने लैंड लिया, उसके बदले उसको जो फीस देना पड़ता है उसको लैंडलॉर्ड को, वो होता है मैनोरियल ड्यूज। तो ये दोनों चीज़ों को उसने हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम और मैनोरियल ड्यूज को उसने एबोलिश कर दिया। देखते हैं थर्ड पॉइंट। इन टाउन्स गिल्ड सिस्टम वर रिमूव्ड। गिल्ड सिस्टम अब क्या होता है वो भी देखते हैं। तो गिल्ड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें क्या करते, बहुत सारे बिजनेसमैन्स, बहुत सारे मर्चेंट्स जो होते थे वहाँ के, वो क्या करते थे, वो एक ग्रुप बना दिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, ठीक है,
जिसमें सिर्फ वही लोग रहते थे, मर्चेंट लोग या बिजनेसमैन लोग, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से मार्केट का प्राइस रखते थे, अपने हिसाब से वो लोग मार्केट को मैनेज करते थे और कोई भी न्यू पर्सन को उसमें आने नहीं देते थे। मतलब अगर कोई और बंदा बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है या अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको क्या करते थे वो लोग, मतलब रिमूव कर देते थे कि नहीं, इसको अलाउ नहीं करते थे कि तुम बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ वो ग्रुप में जितने लोग हैं बस वही लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम था उसको हटा दिया, ठीक है, जिसमें बिजनेसमैन लोग अपने हिसाब से मार्केट चलाते थे, अपने हिसाब से प्राइस रखते थे और कोई न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं होने देते थे मार्केट में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया उसने। इससे क्या हुआ, पीजेंट आर्टिसंस बिजनेसमैन जो थे उसको न्यू इन्जॉय फ्रीडम उनको न्यू फ्रीडम मिला, ठीक है। अ कॉमन करेंसी एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन रीजन। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंसी उसने फिक्स की, एक स्टैंडर्ड मेजर फिक्स किया कि ठीक है आप केजी में ही नापेंगे, आप पॉन्ड्स में ही नापेंगे, ऐसे करके। और एक करेंसी फिक्स की, क्योंकि पहले हर जगह का अलग अलग, हर ग्रुप का अलग अलग करेंसी, अलग अलग मेजर होता था, स्टैंडर्ड मेजर नहीं था कोई। तो उसने एक स्टैंडर्ड मेजर लाया, स्टैंडर्ड करेंसी लाया, जिससे क्या हुआ, ईजी हो गया बिजनेस करना, एक्सचेंज करना गुड्स को, वो ईजी हो गया। तो ये सारे चेंजेस थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है, वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके अलॉन्ग विद दैट। तो ये पिक्स है थोड़े नेपोलियन के ये, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय।